वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब खैर से होंगे। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OP 33 के नेक्स्ट करेक्टर की लुक के बारे में, कैसा दिखने में है वो, कैसा है करेक्टर, ठीक है। और भाई बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेट के बारे में। और यार एक ग्लोअल की स्किन निकल के आ रही है भाई, काफ़ी ख़तरनाक स्किन है, उसके बारे में बात करने वाले। तो यार वीडियो आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करो, तो क्योंकि यार चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ठीक है। तो भाई बिना डैमेज किए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पेट के बारे में। तो भाई वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यार ये वाला पेट होने वाला है। आप लोगों ने काफी चैनल पर देख लिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है यार। तो यार अब हम बात कर लेते हैं अपने एक न्यू ग्लोअल की स्किन के बारे में। तो भाई वो आपको अपने गेम में देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई, में मिल सकता है देखने को। तो भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि भाई ये वाला ग्लोअल कुछ इस टाइप का ग्लोअल है भाई। हो सकता है आपको देखने को मिले, हो सकता है ना देखने को मिले, भाई लेक्स के मुताबिक वीडियो आई थी तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई ये वाला ग्लोअल है, काफ़ी मुझे तो अच्छा लगा भाई, ये एक रेसलर टाइप का ग्लोअल है। तो शायद आगे चल के कोई ऐसी कोलेब्रेशन है जिसमें लोगों का ग्लोअल देखने को मिल जाए। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को, मुझे तो काफ़ी सही लगा ग्लोअल, ना कि मतलब भाई इतना अच्छा है ना कि इतना बुरा है, बिल्कुल सही है मतलब, ठीक है भाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्टर के बारे में कि यार नेक्स्ट करेक्टर कौन सा होने वाला है और भाई उसकी एबिलिटी क्या है, किस तरह का दिखने वाला है। तो भाई आप लोग सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर देख लो कुछ इस टाइप से इसकी लुक होने वाली है करेक्टर की, ठीक है भाई। इसके शेडो दिख रहा है बंडल इसका, ठीक है भाई। इसका हम लोगों को बिल्कुल फेस नहीं दिखाया गया है। जैसे ही हम लोगों को एडवांस सर्वर आएगा मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि भाई इसका इसकी एबिलिटी क्या है और भाई किस टाइप का दिखता है करेक्टर। तो यार BTS आपको पता होगा उससे कोलैबोरेशन हो रही है दोबारा, तो भाई शायद उसका करेक्टर हो, लेकिन भाई इसका नाम भी आ गया है और भाई इस करेक्टर की एबिलिटी अभी तक पता नहीं चली है। तो आप लोगों को कैसी लगी अच्छी वीडियो, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी और आई होप आप लोगों को अपडेट सारी समझ में आ गई होंगी। तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसी अपडेट आपको इस वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।